नमस्कार, पलपल के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है यह समय ही बताता है। वर्ष 2009 में जिस भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे, आज सभी राजनीतिक दल उसी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट होने की बातें कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने तो कमाल ही कर दी। नवीन जय हिंद ने स्पष्ट रूप से एक ट्वीट करके कह दिया कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटें जीत सकती है। वहीं नैना सिंह ने भी यह कह दिया कि भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, वर्ष 2014 से पूर्व हरियाणा जनहित पार्टी व भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें चुनाव लड़कर 7 पर विजयी रही। वहीं हरियाणा जनहित पार्टी 2 सीटों पर जीतकर कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जिससे उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा व 47 सीटें जीतकर हरियाणा में सरकार बनाई। आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते व हरियाणा सरकार के कुछ निर्णयों के चलते ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत इन चुनाव में जीत सकती है। इसी से डरे हुए अरविंद केजरीवाल, जो कभी कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर दिल्ली में सत्ता में आए थे, आज कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए राजनीतिक रूप से तड़प रहे हैं। वह दिल्ली में गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 3 बार उनकी अपील को नकार दिया। अब वह हरियाणा व पंजाब में गठबंधन करना चाहते हैं। कल उनकी इस बात को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी नकार दिया और यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी व जेजेपी के पास कोई जनाधार नहीं है, वो केवल थोथा चना बाजे घना की बात कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन जिस ढंग से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व जेजेपी की नेता व डव्वाली की विधायिका नैना सिंह ने बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ हरियाणा में ना केवल चुनाव लड़ने जा रही है, बल्कि वह बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, राजनीति में ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई भी गठबंधन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व जेजेपी के बीच होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह नैतिक विजय के समान है कि सभी दल उसके विरुद्ध हरियाणा में भी इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। आज इतना ही, नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को अगर हराना है तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी, जेजेपी और कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस पर राहुल गांधी विचार करें, तो इस पर जेजेपी का क्या मानना है? मैं तो यही कहूँगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ, पर बीजेपी को हटा दो। प्रधानमंत्री जी ने भी धोखा दिया, उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहली लाइन भाजपा के मैनिफेस्टो में है मैं नीचे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। आज भाजपा का मैनिफेस्टो चलाया गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से भाजपा ने धोखा दिया। अब दिल्ली पूरा राज्य लेके ही रहेगी, जो 70 साल से दिल्ली का अपमान और उनका हक छीना जा रहा था।
मोदी जी को हराना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए, उन सबको साथ आने की जरूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर JJP, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है 10 की 10 सीटों पे, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में उसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो मैं दिल्ली बिना कांग्रेस में हम जीत रहे हैं उसमें चिंता करने की, दिल्ली के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं।